दोस्तों आपको पता है कि CD4 सेल काउंट कितना इंपॉर्टेंट है HIV पेशेंट्स के लिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि CD4 सेल काउंट कैसे बढ़ाएं, यानी कि जल्दी से जल्दी हमारा CD4 काउंट सेल जो काउंट है ऊपर कैसे लेके जाएं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि CD4 सेल जो काउंट होता है हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये नीचे चला जाता है यानी कि 200 से भी कम हो जाता है, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि HIV से एड्स में बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि एचआईवी जो है वो एड्स में बदल जाता है। जब HIV एड्स में बदल जाता है तो आपकी जिंदगी मात्र 2 से 3 साल ही रह जाती है। तो ऐसा ना सोचें कि जो एचआईवी का जो वायरस है वो HIV से एड्स में इतनी जल्दी बदल जाता है। अगर आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं और जो दवाई आपको दी गई है जिसका नाम है ARTएंटोरेट्रोवायरल थेरेपी, उसकी जो कि आप एक गोली एक दिन में लेते हैं, तो अगर आप वो रेगुलर लेते रहेंगे तो आपका CD4 जो काउंट है अगर पूरा है नॉर्मल है तो वो नीचे नहीं जाएगा। अगर आपका CD4 सेल काउंट नीचे है तो आराम आराम से वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। ARTके अलावा दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी दवाई नहीं, अभी तक प्रेजेंटली कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी अल्टरनेट नहीं है जिसके कारण आपका CD4 सेल काउंट बढ़ सके। हां, एक बात इसके अंदर जोड़ना चाहूंगा, जीलेड कंपनी की लेनाकैपावीर एक दवाई आई है, एक इंजेक्शन आया है जिससे कि आपका जो वायरल लोड है नीचे जा सकता है, नीचे जाएगा तो आपका CD4 सेल काउंट ऊपर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा महंगी है, करीब 40 लाख के आसपास की एक साल की दवाई है एनुअली, तो इसको तो आप अभी भूल जाओ, अभी 3-4 साल के अंदर ये ग्लोबली यानी कि मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, इंडिया में भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, इसको तो आप भूल जाइए। अभी हम बात करेंगे ARTकी। देखो, CD4 सेल काउंट को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक मात्र तरीका है ARTएंटोरेट्रोवायरल थेरेपी। अगर आप इसको रेगुलर लेते हो, बिना स्किप किए लेते हो, तो आपका CD4 जो सेल काउंट है आराम आराम से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने के बाद अगर आप टेस्ट करवाते हो तो आपको उसके अंदर बढ़ोतरी नजर आती है। और देखो, जनरली अगर आप लगातार 1 साल तक मान ले खाते रहते हो और उसके बाद टेस्ट कराते हो तो नॉर्मली, वैसे तो अपनी अपनी बॉडी का हिसाब किताब होता है, अपनी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है कि CD4 सेल काउंट को वो कैसे बूस्ट करते हैं, लेकिन जनरली एक आंकड़ा बताता हूं कि 50 से 150 के बीच में आपके CD4 सेल काउंट बढ़ जाते हैं। अगर आपका CD4 सेल काउंट कम है तो आपका 1 साल के अंदर 50 से 150 बढ़ जाते हैं। तो देखो, यहां पे मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहूंगा, देखो अगर किसी का CD4 सेल काउंट 200 से नीचे है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी का CD4 सेल काउंट 200 से नीचे है उस टाइम पे जो दवाई खाते हैं ARTकी, उसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए यानी कि बहुत टाइम लगता है, कई बार तो CD4 सेल काउंट को बढ़ाने में वो फेल भी हो जाती है, लेकिन आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखो, वैसे तो अभी भी ARTही एक अल्टरनेट है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट है नहीं है जो आपको फ्री में मिलता है, पैसे देके जो मिलता है वो बहुत ज्यादा अभी महंगा है, वहां तक आपकी अभी पहुंच नहीं है, वहां तक आपकी रीच नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर आता है एक अल्टरनेट सिर्फ आपका ARTएंटोरेट्रोवायरल थेरेपी की दवाई ही है, वही आपने रेगुलर लेनी है। इसके साथ में डॉक्टर आपको विटामिन दे सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल आपने यूज करना है, आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन देखो वैसे तो बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, यानी कि मल्टीविटामिन खाने से CD4 सेल काउंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि वो वायरल लोड को नीचे नहीं कर सकते। जब वायरल लोड नीचे होएगा तो ही आपका CD4 सेल काउंट ऊपर जाएगा, क्योंकि जो आपका HIV का वायरस होता है वो CD4 सेल काउंट के अंदर ही होता है। वायरल लोड कम होएगा तो CD4 सेल
काउंट आपका ऊपर जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लगातार 10 साल तक दवाई खाते हैं, मिस नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका लगभग CD4 सेल काउंट पूरा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन किसी का 300 से ऊपर है, घबराने वाली बात नहीं है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको कवर कर लेगा। अगर आप ART की दवाई रेगुलर खाते हैं, 200 से नीचे चला जाता है तो फिर मुश्किल वाली बात होती है। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछ लेते हैं कि मेरा CD4 सेल काउंट 510 है, क्या वो सही है? वो बिल्कुल सही है, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है CD4 सेल काउंट की 500 से 1500 के बीच में होती है। नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनके, अगर आपका 500 से ऊपर रहेगा तो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका शरीर सक्षम हो जाता है। अगर आपका CD4 सेल काउंट चला जाता है 200 से नीचे, तो फिर आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ सकती है, TB आ सकती है, कैंसर आ सकती है, मेलिग्नेंसी आपको हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं आपको घेर सकती हैं। तो उस टाइम भी आपने हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, आपने करना क्या है, एक्सरसाइज करनी है, बहुत सारा खाना, हेल्दी खाना आपने खाना है, कच्चे अंडे, कच्चा जैसे कोई मीट मसाला कोई भी चीज, जैसे पोल्ट्री होती है, वो कच्ची चीज नहीं खानी, हमेशा उबाल के ही खानी है। कोई भी फल फ्रूट आप खाते हो तो ताजा खाओ, सब्जी खाओ तो आप बना के खाओ, कच्ची सब्जी आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपने इन चीजों का खास ध्यान रखना, अगर आपको 200 से नीचे है CD4 काउंट और रेगुलर आपने ART की दवाई खाते रहनी है, तो जब भी आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा, एक तो आप अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, आप कोई गेम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि उल्टा आपको एक बूस्ट मिलेगा इम्यूनिटी में। जब बूस्ट मिलेगा आपका शरीर हेल्दी रहेगा, ART की दवाई भी पूरा असर करेगी, तो आपका CD4 काउंट बढ़ सकता है और आपका वायरल लोड कम हो सकता है। दोस्तों, अगर CD4 सेल काउंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में।